मूवी की स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बड़े से गेट के सामने आके रुकता है। वहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ था कि अंदर जाना मना है। गेट के अंदर जो घर था उसे भूतिया माना जाता था, इस वजह से वहाँ पे कोई नहीं आता था। पर एक लड़की ने इस लड़के को चैलेंज दिया था कि अगर तुम उस दरवाजे पे लगे नंबर को निकाल के लेकर आओगे तब मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। अब ये लड़का अंदर आके दरवाजे में लगे नंबर को निकालने लगता है। नंबर था 616। वो एक नंबर जैसे तैसे करके तोड़ लेता है, लेकिन जब वो दूसरा नंबर तोड़ने की कोशिश करता है तभी दरवाजा खुल जाता है। अब जैसे ही वो उठ के बाहर आने लगा तभी एक काला धुआं उसे पकड़ के अंदर खींचने लगा, जिसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है और उस लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद एक साल बाद के सीन में हम सैन नाम के एक लड़के को देखते हैं। इसके बाद हम सैन के दो दोस्त को देखते हैं जो कि उस भूतिया घर के सामने आके रुकते हैं, क्योंकि आज रात ये लोग इसी घर में पार्टी करने वाले थे। अब तैयारी करने के लिए ये लोग पहले ही यहाँ पे आ जाते हैं। अब उसका दोस्त उसे यहाँ पे छोड़ के चला जाता है। जब वो अंदर जा रहा था तब हम देखते हैं कि खिड़की से कोई उसे देख रहा है। अब जैसे ही रात होती है सैन से मिलने के लिए उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। अब ये लोग पार्टी करने के लिए उस घर में निकल जाते हैं। इनमें सैन के एक दोस्त का नाम लाना था। अब कुछ देर बाद ये लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं। सैन का दोस्त दरवाजा खटखटा के आवाज देता है, पर जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाता है दरवाजा पहले ही से ही खुला था। और फिर सैन का वो दोस्त अचानक से दरवाजे के अंदर खींच लिया जाता है, जो देख के सारे दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन अगले पर वो दोस्त बाहर आ जाता है। वो दोस्त इन्हें डराने के लिए मजाक कर रहा था। ये लोग ये जानते थे कि इस भूत में जुड़ाई रहती है, लेकिन फिर भी ये लोग इसके अंदर जा रहे थे। सैन के एक दोस्त जब कमरे में थे तब लड़की ने अचानक से हाथ रखा, तभी उसके हाथ में एक लिक्विड लग गया जो कि दीवार से निकल रहा था, जिसके बाद उस कमरे के हर एक दीवार से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। वो क्या था इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। सैन और उसका दोस्त जब कमरे में थे तब वो देखते हैं कि कुर्सी पे पड़ा एक कपड़ा अपने आप हिल रहा है, जैसे कि कपड़े के अंदर कोई हो और निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सैन ने वो कुर्सी नहीं देखी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या। इसके बाद लाना अपने दोस्त को एक तस्वीर दिखाती है जो कि एक फैमिली की थी। उस फोटो में जो फैमिली थी वो काफी ज्यादा डरावनी थी, इस वजह से उसके हाथ से तस्वीर गिर जाती है और टूट जाती है। अब आवाज सुनने के बाद वहाँ पे उसके दो दोस्त आते हैं। उनके पूछने के बाद लाना का दोस्त बताता है कि मैं ये तस्वीर देखकर डर गया था, इस वजह से ये तस्वीर मेरे हाथ से गिर गई। अब ये लोग यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं तब यहाँ पे सैन और उसका दोस्त आ जाती है। अब सैन जैसे ही एक म्यूजिक स्टैंड से टकराए वो अचानक से बजने लगा। लाना यहाँ पे एक तस्वीर को बड़ी ही ध्यान से देखने लगती है और तभी उसे विजन आने लगा जिसमे वो देखती है वो कुर्सी जिसपे कपड़ा रखा हुआ था, वहाँ पे एक आत्मा आके बैठ जाती है। अब उसे देखकर लाना बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज सुन के सभी दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। अब जैसे ही वो ख्यालों से बाहर आती है तब सभी देखते हैं कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। इन सारी बातों की वजह से लाना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो यहाँ से जाने का फैसला करती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है किसी ने बाहर से दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। वो अपने दोस्तों से कहती है कि ये घर सच में भूतिया है, यहाँ पे कोई जरूर है, उसने मुझे बहुत ही खतरनाक विजन दिखाया है और अब दरवाजा भी लॉक कर दिया है, उसकी बात पे कोई भी विश्वास नहीं करता है। अब इनमें से एक दोस्त कहता है कि हो सकता है हमारे उस दोस्त की शरारत हो जो कि पहले हमसे यहाँ पे आया था, क्योंकि अभी तक हम में से कोई भी उसे नहीं देखा है, वो न जाने कहाँ पे छुपा हुआ है। पर लाना उनकी कोई भी बात नहीं सुनती है, वो दरवाजा खोल के यहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं लेता है। अब जब उनके दोस्त देखते है कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है तब वो लोग बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं। अब अपने एक दोस्त के कहने के बाद ये लोग सारी खिड़कियां चेक करने लगते हैं, पर वो सारी खिड़कियां भी बंद थी। अब लाना की दोस्त वहाँ पे एक कपड़े से ढका शीशा देखती है। अब जैसे ही वो कपड़ा हटाती है तब वो देखती है कि शीशे के अंदर से कोई अजीब सी चीज निकल के उसके पास आ रही है। अब ये देखकर वो पहले तो डर जाती है लेकिन वो अपने हाथों से शीशे को छूने लगती है। उसका हाथ शीशे के अंदर चला जाता है, कोई उसका हाथ पकड़ के शीशे के अंदर खींच रहा था। अब वो काफी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब उसके सारे दोस्त आके उसका हाथ बाहर निकालने लगते हैं। हाथ तो बाहर निकाल दिया जाता है पर उसकी दो तीन उंगलियां कट गई थी। ये देखकर सभी को लाना की बात पे यकीन हो जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई तो है। अब सैन यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुर्सी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, पर उल्टा कुर्सी ही टूट जाती है, दरवाजे पे एक खरोच भी नहीं आती है। अब तीन दोस्त पूरे घर को चेक करने लगते है जबकि दो दोस्त अपने जख्मी दोस्त को संभालने लगते है। इसी दौरान लाना को एक कमरा मिला जो की एक लाइब्रेरी जैसा लग रहा था। अंदर आने के बाद लाना को एक
एक कागज मिलता है जिसपे एक औरत की मौत के बारे में लिखा हुआ था। वो औरत काला जादू करती थी, इस वजह से उसे पानी में डुबा के मारने की सजा मिली थी। सेन की एक दोस्त को काला साया दिखाई देता है, वो बिना सोचे समझे उसके पीछे जाने लगती है। जबकि तीन दोस्त किचन में आ जाते हैं, जहाँ पे एक दोस्त स्टील के बर्तन में अपना सर देखता है जिसपे गहरे चोट थे जो की धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो कोई चोट लगी ही नहीं थी। अब इधर सेन के एक दोस्त को वहाँ पे एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो वहाँ से एक कमरे के पास आता है जहाँ पे उसकी एक दोस्त बैठी हुई थी। वो जैसे ही उसके पास जाता है वो उसे पकड़ लेती है और उसके साथ अजीब हरकतें करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है जो कि उसे पकड़ के बहुत ही बुरी तरीके से काट लेती है और उसका खून पीने लगती है। इसके बाद सेन और लाना अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जो कि चुड़ैल बन गई थी वो उस कमरे में जाते हैं। वहाँ पे काफी सारी मोमबत्तियां जलाई हुई थी और जादू के काफी सारे सामान रखे हुए थे। यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पे काला जादू करने की तैयारी कर रहा हो। अब सेन को यहाँ पे एक खिड़की दिखाई देती है जिसे वो तोड़ने की कोशिश करता है। जब वो थोड़ी सी टूट जाती है तब वो अपना हाथ अंदर डालता है और जब वो अपना हाथ बाहर निकालता है तब वो देखता है कि उसके हाथ में कीचड़ लगा हुआ है। अब लाना को यहाँ पे बहुत सारी शीशी की बोतल दिखाई देती है जिसके अंदर इंसानी जिस्म के हिस्से पड़े हुए थे। अब जैसे ही वो उनमें से एक बोतल को खोलने की कोशिश करता है बोतल नीचे गिर जाती है और टूट जाती है और उनमें से काला धुआं निकलने लगता है जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि वो कटा हुआ हाथ अपने आप चल रहा है। इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इनके दो दोस्त अपने उस दोस्त को ढूंढ रहे थे जिसे विच ने काटा था। वो उन्हें मिल जाता है लेकिन काफी जख्मी हालत में जिसे विच ने काटा था। अब वो इन्हें कुछ बता पाता इससे पहले ही वो अपना दम तोड़ देता है और वहीं पे मारा जाता है। अब इसी बीच उनकी एक दोस्त देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है और वो जल्दी से बाहर आ जाती है। अब उसके पीछे एक और दोस्त उसका आ रहा था लेकिन तभी हम देखते हैं कि दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है जिसके बाद हम उसके पीछे विच को देखते हैं जो कि अचानक खड़ी हो जाती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तभी वो वहां से गायब हो जाती है। पर उसकी दोस्त की लाश खड़ी हो जाती है और धुएं में बदल जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो जाके दूर गिरता है। अब सेन की दोस्त जो कि वहां से बाहर आ गई थी वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो कीचड़ वाले दलदल में गिर जाती है और तभी दलदल से विच के हाथ बाहर निकल के आते हैं और उसे पकड़ के अंदर खींचने लगते हैं। उधर सेन की वो दोस्त जिसका हाथ शीशे में जाने की वजह से जख्मी हो गया था वो जख्मी जगह अपने आप ही गलने लगती है और तभी उन्हें अपने उस दोस्त की चिल्लाने की आवाज आने लगती है जो कि सबसे पहले यहाँ पे आया था। अब आवाज का पीछा करते करते ये लोग एक पिंजरे के पास आ जाते हैं जहाँ पे इनका वो दोस्त बांधा हुआ था। इनका दोस्त कहता है कि वो विच बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अब इसी बीच इनका वो दोस्त भी यहाँ पे आ जाता है जिसके ऊपर लाश के धुएं ने हमला किया था। अब लाना और उसके दोस्त को एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है जिसके अंदर से तैर के ये लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। आगे लाना की दोस्त ही जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी कोई आगे से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका नाखून निकालने लगता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पीछे से लाना के ऊपर भी कोई हमला कर देता है, उसके सर पे किसी चीज से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। अब सीन और उसका दोस्त पिंजरे को उठा के अपने दोस्त को वहाँ से आजाद करने की कोशिश करने लगते हैं पर तभी विच यहाँ पे आके इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। पहले वो इन दोनों को साइड में धक्का दिया जिसके बाद वो पिंजरे को जोर से धक्का दिया जिसकी वजह से उनके कई दोस्त का सर दब जाता है और उसकी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। लाना को बहुत ही अजीब अजीब तरीके से ख्याल आ रहे थे जिसमें वो बिच्छू से बहुत ही ज्यादा डरा रहे थे अलग अलग तरीके से लेकिन ठीक वक्त में सेन और उसका दोस्त यहाँ पे आके उसे बचा लेते हैं। अब इनकी एक दोस्त गायब हो जाती है, वो सभी लोग मिलके उन्हें ढूंढने लगते हैं। वो उन्हें वॉशरूम में मिल जाती है पर काफी अजीब हालत में, वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ गई हो, वो काफी ज्यादा बूढ़ी लगने लगती है। अब जैसे ही सेन उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लेकर आता है तभी उसका हाथ कट के उसके हाथ में आ जाता है। वो इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि जैसे उसका हाथ एक छिलके की तरह कट जाता है और वो वहीं पे तड़प तड़प के मर जाती है। अब ये सब देख के सेन का दोस्त काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सभी चीज को जलाने लगता है। वो हर जगह पे पेट्रोल डालता है। अब जैसे ही वो आग लगाने ही वाला होता है तभी वहाँ पे विच आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है और उसका पेट चीर देती है जिसकी वजह से वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब सेन ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रिचुअल वाले कमरे में जाके वहाँ पे सब कुछ तबाह करने लगता है और साथ ही वो विच को सामने आने के लिए चैलेंज करता है। अब आखिरकार वो उसके सामने आ जाती है। उसे इतना ज्यादा खतरनाक देखकर सेन लाना से कहता है कि खिड़की खुली हुई है, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब उसके जाते ही विच सेन के ऊपर हमला कर देती है, अपने मुंह से बहुत सारा काला धुआं निकाल के उसके मुंह में डाल देती है। अब उसका पूरा चेहरा जल जाता है जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है वहीं पे। अब लाना जो कि बाहर आई थी वो खिड़की से नीचे कूदने की वजह से वो कीचड़ में आ
आके गिर गई थी। वो देखती है कि सेंट के डैड पुलिस की गाड़ी लेकर उन सब की खोज करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वो सभी लोग यहीं पे आए हैं। लाना उन्हें देखकर मदद के लिए आवाज लगा दिए, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि विच उसे भी पकड़ के खींच के कीचड़ वाले पानी में लेकर चली जाती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले सुबह जब पुलिस छानबीन कर रही थी तब वो लाना को कीचड़ से बाहर निकाल लेते हैं, जो कि मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। पर वो पहली वाली लाना नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका बर्ताव चलना सब कुछ बदला हुआ लग रहा था, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि विच है, जिसने लाना के जिस्म को पोचेस कर रखा है। विच की आत्मा इतने दिन से हवेली में कैद थी और वो लाना के शरीर की मदद से बाहर आ जाती है। उसने लाना के शरीर का इस्तेमाल इसीलिए किया क्योंकि वो शुरू में उसकी तस्वीर के सामने खींची आ गई थी। लाना को विच की बचपन की तस्वीर उसे काफी ज्यादा पसंद आई थी, यानी कि घर में जो उस लड़की की तस्वीर थी वो किसी और की नहीं बल्कि विच की ही थी। और इसी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।